और इधर रायपुर के भाटागांव इलाके में सड़क पर पानी आने की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र के वार्ड नंबर 67 भक्त कर्मा माता वार्ड में आए दिन पानी भरने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने। राजधानी रायपुर जहां एक और पानी की समस्या को लेकर जूझ रहा है, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न की स्थिति में बरसात से पहले नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि भाटागांव के नजदीक लगा हुआ यह स्थान है जहां पर ये जो समस्या है वह आए दिन दिखती है। यहां पर पानी भर जाता है और पानी भरने का कारण जो है यहाँ पे जो स्थानीय है वो ये बताते हैं कि तकरीबन मुझे 1 साल या 2 साल हो गए आए हुए, तब से मैं देख रहा हूँ कि यही सिचुएशन है। अभी वर्तमान में इसकी शिकायत जो है हम लोगों ने महापौर महोदय को दिया था लिख के, और उनका भी आश्वासन आया था कि मैं इस पे कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से ये 14 तारीख को हम लोगों ने दिया था और आज के डेट तक वैसा कोई फ्रूटफुल कार्रवाई होते नहीं दिख रहा है। मैं इसका फॉलोअप लूँगा। लगातार आने जाने में समस्या होती यहाँ पर देखी जा रही है। जी मैडम, यह यहाँ पे अभी बरसात नहीं, उसमें भी यहाँ घुटने से ऊपर पानी चल रहा है और रात को ना मैडम यहाँ पे जो लाइट वाइट भी रहती नहीं और जो पानी निकासी की जो समस्या है, तो एक्चुअल में यहाँ से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है मैडम। हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं नगर निगम में, वो 5 मिनट आके साफ कर देता है, फिर 2-3 दिन में सामने वाला जो प्लाट है फिर से उसको पाट देता है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो वार्ड के पार्षद यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और बरसात से पहले ही जो स्थिति है वहाँ पे इस तरीके की बनी हुई है कि जहाँ एक और राजधानी वासी पानी के लिए तरस रहे हैं, टैंकर पहुँचाने की नौबत आन पड़ी है, वहीं बरसात से पहले ही सड़क इस तरीके से जलमग्न हो जाना कहीं ना कहीं निगम अमले के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों शहर में इस तरीके की स्थिति बन रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, आईएनएस 24x7 रायपुर।